प्रदेश में चयनित शिक्षक संघ द्वारा भोपाल जाकर पूर्व सीएम कमलनाथ को ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया कि जिन शिक्षकों की एग्जाम 2018 में कमलनाथ की सरकार में हुई थी, उन लोगों की भर्ती प्रक्रिया पर शिवराज सरकार ने रोक लगा दी है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकित पाठक के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल भोपाल आया था, जिसमें इंदौर, भोपाल, बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर से चयनित शिक्षक इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एक मजबूत विपक्ष के होने के नाते कमलनाथ को ज्ञापन पेश किया है और मांग की है कि आने वाले समय में विपक्ष हमारे साथ खड़ा रहे और हमारी नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने के लिए समर्थन करे। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक संघ के कुछ लोग हैं जिन्होंने 2018 में कमलनाथ जी की सरकार में भर्ती प्रक्रिया निकली थी, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निकली थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल शिक्षक मंडल की भर्तियां थी। जिन लोगों ने 2018 में एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम को क्लियर किया, पास हुए, उनकी नियुक्तियां प्रारंभ हुई। ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों की नियुक्तियां हो भी चुकी हैं, भर्ती प्रक्रिया उनकी ख़त्म हो चुकी है, कुछ लोगों की बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अभी कोविड के चलते जो है शिवराज सरकार ये कह रही है कि अभी हम भर्ती प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे और इसके अगेंस्ट में आपको जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। मेरा सरकार से आह्वान है और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, खंडवा से, इंदौर से, बुरहानपुर से, बालाघाट से, छिंदवाड़ा से शिक्षक संघ में जो लोग चयन हुए थे, जो लोग एग्ज़ाम पास किए थे, आज वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को आज जो है एक लेटर की कॉपी दी है, ज्ञापन की कॉपी दी है कि विपक्ष हमारे साथ इसमें खड़ा हो और हमारे चयन प्रक्रिया में हमारे साथ रहे। तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरी युवक कांग्रेस की टीम, पूरा युवक कांग्रेस परिवार, पूरा कांग्रेस परिवार शिक्षक संघ के लोगों के साथ है, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में निश्चित ही यूथ कांग्रेस की पूरी टीम, पूरा शिक्षक संघ का दल हमारे साथ एकत्रित होकर के यहाँ जंगी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अगर सरकार नहीं मानी और सरकार ने इन लोगों को रोजगार के लिए हटाया या रोजगार से बेरोजगार की तरफ धक्का दिया तो पूरी युवक कांग्रेस सड़क पर आकर के सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। अंकित पाठक, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस, प्रदेश प्रवक्ता युवक कांग्रेस कमेटी भोपाल। आपकी आज कमलनाथ जी से किस विषय में मुलाकात हुई? आज शिक्षक चयनित शिक्षक संघ के मध्य प्रदेश के कुछ लोग जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2018 में कमलनाथ जी की सरकार में प्रारंभ की गई थी, 30,000 ऐसे लोग उस भर्ती प्रक्रिया में पास हुए थे। कमलनाथ जी की सरकार के समय बहुत से लोगों की चयन प्रक्रिया संपूर्ण हो गई, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है भाजपा की सरकार ने धन बल और छल के आधार की राजनीति करके सरकार को गिराने का काम किया। और जब ऐसे शिक्षक संघ के लोग हमसे खंडवा में रूबरू हुए तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे साथ किस तरीके से चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया है, किस तरीके से हमारा रोजगार जो हमें प्राप्त हुआ था, जो हमने इतनी मेहनत से परीक्षा को पास किया था, हमारी चयन भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। उस विषय को लेकर के आज माननीय कमलनाथ जी से खंडवा, भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर क्षेत्र से चयनित शिक्षक संघ के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ एकत्रित हुए थे और उन्होंने कमलनाथ जी को एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है कि मध्य प्रदेश का एक मजबूत विपक्ष होने के नाते यूथ कांग्रेस के मैनर तले हम आपकी सहायता करें, हम विधानसभा में ये सवाल उठाएं, हम विधानसभा में ये क्वेश्चन लगाएं कि क्यों आखिर आपने जो लोग एग्जाम पास कर चुके थे उनकी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। आज इसी विषय को लेकर के खंडवा यूथ कांग्रेस की टीम पूरे शिक्षक संघ के साथ में यहाँ एकत्रित हुई है, माननीय कमलनाथ जी को ये विषय से अवगत कराया है और आने वाले समय में अगर शिवराज सिंह चौहान जी इस बात से सहमत नहीं होते हैं, इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को वापस प्रारंभ नहीं करते हैं, तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर के बाद एक जंगी प्रदर्शन करेगा, एक उग्र आंदोलन करेगा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे, हम प्रदेश के हर उस बेसहारा व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जो एक आस की नज़र से कमलनाथ जी की तरफ देख रहा है, जो एक सोच की वजह से कांग्रेस की तरफ देख रहा है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में आज कांग्रेस से ये आवेदन करने आया है कि आप हमारी सहायता करें, हमें रोजगार उपलब्ध कराएं। इसी निवेदन और आवेदन के साथ आज माननीय कमलनाथ जी के साथ में, खंडवा यूथ कांग्रेस के साथ में और मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक संघ के 25-30 लोगों के साथ में डेलीगेशन हमारे यहाँ आया है और हमने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया है और अगर आने वाले समय में इसी तरह से चलता रहा तो यूथ कांग्रेस ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में पूरे भोपाल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की राजधानी में हम जो है शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित पाठक, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमेटी। नमस्कार।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।